भाई को देखते हुए दो बच्चे काफी हैं, उसी को पाल लो वही बहुत है। ये कि किसी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि वो दो बच्चे को जन्म दे या तीन को दे, चार को भी दे सकता है। मेरे लिए तो यही सही है कि जितना बच्चा कम होगा तो इतना ही अच्छी सुविधाएं होंगी। अगर किसी के दो लड़कियां हो गई, आगे बेटा ना हुआ, फिर क्या होगा? वो मुस्लिम राजनीति को लेकर के प्रदेश में भी एक फैसला लागू किया जा रहा है, जो दो बच्चों का कानून है उसको लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच हम पहुंचे शहीदगंज में, यहाँ पर जो हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं, उनसे राय लेंगे कि जो दो बच्चों का कानून है वो कितने हद तक सही है और उसके लिए मुस्लिम महिलाओं की क्या राय। प्रदेश में दो बच्चों का कानून का प्रावधान सरकार लागू करने जा रही है, सही है या गलत है? सही है मेरे हिसाब से। लोग कह रहे हैं कि इसमें लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, ये सब हो रहा है। नहीं नहीं, सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे महंगाई को देखते हुए दो बच्चे काफी हैं, उसी को पाल लो वही बहुत है। कई लोग कह रहे हैं किसी की दो बेटी हो जाती है तो उनके लड़के का ऑप्शन खत्म हो जाता है। बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं समझना चाहिए, बेटा भी बराबर है, बेटी भी बराबर है। महिलाओं की जो नर लड़कियों की हत्या होती है उसके मामले बढ़ने की आशंका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर जो बेटियों को इज्जत मिलेगी समाज में तो कोई बेटी को गला नहीं दबाएगा, नहीं मारेगा। दो बच्चों का कानून सरकार लागू करने जा रही है, इस विषय में आपकी क्या राय है? सही है जी, सही है, अच्छा है ये राय। दो बच्चों का जो कानून है प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है, इसमें कई लोग इसको जो राजनीति मुद्दे से देख कर उसको तवज्जो दे रहे हैं, ये राजनीति सरकार तो खाने को दे नहीं रही किसी को, जो कोई कमा रहा अपने बच्चों के ज्यादा है कम है, खुद दे रहे हैं ना कमा के, सरकार तो नहीं दे रही। आपकी जो आपका राय है कैसी है? गलत है, दो बच्चा कानून गलत है। हाँ, और गलत नहीं है। अगर किसी के दो लड़कियाँ हो गई, आगे बेटा ना हुआ, फिर क्या होगा? सरकार देगी खाने को। इसी बीच में हम और लोगों से राय लेंगे जो बताएंगे कि जो दो बच्चों का कानून जो प्रावधान लागू करने के लिए सरकार जा रही है वो किस हद तक सही है और कहाँ तक जो इसमें सरकार की बात की जाए, सरकार कहाँ पर अपने जो राय है वो गलत है या सही है, इसी विषय में लोगों से और भी हमारे साथ महिला जुड़ चुकी, इनसे जानकारी लेंगे। जी मैडम, क्या नाम है? कम करो, अच्छा है कम बच्चे हो, उनकी देखभाल अच्छे से हो पावे। लोग जो कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा होने से कहीं ना कहीं उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन अगर बच्चे इसी तरह ज्यादा होगा, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो हर तरीके का है। देखो, पहली तो बात बच्चों का ही है कि बच्चों को खाना पीना ही सही नहीं हो पाता, बच्चों की पढ़ाई नहीं अच्छी हो पाती, पहनने के लिए बच्चों के पास कपड़े भी नहीं अच्छे होते, तो कम से कम बच्चों में तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलती है ना, तो जनसंख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है भैया। प्रदेश सरकार, मेरे लिए तो यही सही है कि जितना बच्चा कम होगा तो इतना ही अच्छी सुविधाएं होंगी। अभी प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसको लागू करने की कोशिश चल रही है, क्या लगता है कि पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए? सही है ये। कितना फायदा होगा इससे? बहुत ज्यादा फायदा होगा भैया, मतलब एक ही सोच है कि लड़की पे लड़की होती जा रही, लड़के के चक्कर में जनसंख्या बढ़ा रहे, अब लड़की लड़कों में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए ना, तो जनसंख्या अपने आप ही नियंत्रण होगी, जब भेदभाव ही खत्म होगा ना तभी सही होगा। कहीं ना कहीं जो दो बच्चों का कानून लागू करने के लिए सरकार जा रही है, सही है फैसला गलत है? गलत है। किस लिए गलत है? गलत है बस ये। नहीं, गलत है एक आदमी को किस कारण से गलत है ये तो बताइए। जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि वो दो बच्चे को जन्म दे या तीन को दे, चार को भी दे सकता है, अपनी उसके ऊपर बात है। अब ये थोड़ा ही ना कानून हर चीज पे लागू होगा। ये कानून जो सरकार लागू करना जा रही है आखिर चुनाव से पहले क्यों है? वोट का थोड़ा हेर फेरी होगी, वोट लेने के लिए। हाँ, वोट लेने के लिए इधर से उधर जो मामले होते हैं वही सामने आएंगे। कई लोगों का कहना है कि पहले भी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए उन्होंने तीन तलाक का मसला उठाया था, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में काफी बढ़ोतरी मिली थी। क्या लगता है कि प्रदेश में अगर ये कानून लागू करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक प्रदेश में योगी सरकार के साथ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा योगी सरकार के साथ। प्रदेश में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? समाजवादी पार्टी आ जाए या कांग्रेस आ जाए। ऐसी क्या खूबियां उनके अंदर? जो कमी है उसमें नहीं है भाजपा में, वो खूबी उसके अंदर है। वो जो है ना धर्म की राजनीति करते हैं सारे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जुमलेबाजी है और बस भाषणबाजी है, झूठ सब झूठ है दोनों के दोनों। एक तो उनके कोई परिवार नहीं है, इसलिए परिवार को पालने की उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उनको ये भी नहीं पता कि लड़कियां क्या होती हैं, उनकी इज्जत क्या होती है। सही है। क्या नाम मैडम आप? मेरा नाम बबली है। ये बताइए, दो बच्चों का जो कानून सरकार लागू करने जा रही है सही है गलत है? सही है। किस लिए सही है? ये महंगाई के लिए सही है।
कि महंगाई इतनी हो रही, दो बच्चों का पालन पोषण भी बहुत मुश्किल से करना पड़ रहा। उसके बाद भी कई लोगों का कहना यह है कि ये सरकार जो कानून बना रही है कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए बना रही है, ये लोगों की आजादी छीनने के लिए। गलत है, ये गलत है। इससे कितना फायदा होगा दो बच्चों कानून लागू करने से? बहुत फायदा होगा। 2022 में अगर ये लोग कह रहे हैं अगर ये कानून प्रावधान लागू किया जाता है तो इसके कहीं ना कहीं वोट बैंक पर जो है बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फायदा है क्योंकि दो बच्चे आराम से पाल सकता है आदमी। अब मजदूरी कितनी मिलती है आदमी को, ये है ना, मजदूरी भी तो देखो महंगाई कितनी है, हर चीज पे महंगाई है। अब बच्चे कहाँ से पालेगा, गरीब आदमी कहाँ से पालेगा बच्चे? कहीं ना कहीं लोगों की राय जो है वो साफ बता रही है कि 2022 के अंदर अगर चुनाव हो या कुछ भी मुद्दा हो लेकिन दो बच्चों का कानून अगर लागू होता है तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, क्योंकि दो बच्चों का कानून से जो जनसंख्या नियंत्रण है वो तो साथ में होगी, साथ में बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने का भी परिजन जो है काम कर सकते हैं।